इधर जमशेदपुर में एनआईए ने रविवार देर रात छापेमारी कर एक शख्स को उठाया है। एनआईए की टीम रविवार देर रात शहर पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से जुगसलाई में छापेमारी की। एक शख्स को हिरासत में लेकर बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार टीम ने आजाद नगर थाना क्षेत्र के जाकिर नगर और मानगो थाना क्षेत्र में भी छापेमारी की है। टीम ने शुक्रवार को भी झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी की थी। ये छापेमारी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद की जा रही है। सहयोगी प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रभात, एनआईए की दबिश पड़ी है, गिरफ्तारी हुई है, किस मामले को लेकर और क्या कुछ अब तक इस मामले में बातें सामने आ पाई हैं? क्या पूछताछ चल रही है अभी भी सर्किट हाउस में? बिल्कुल आरती, देखिए एनआईए की टीम लगभग 8 से 10 लोग हैं, कल देर रात ये जमशेदपुर पहुंचे और जमशेदपुर के बाद जुगसलाई स्थित इस्लाम नगर पहुंचे, जहाँ दो लोगों को उठाया है, जिसमें से एक इस्लाम नगर से उठाया और एक व्यक्ति को जुगसलाई से ही उठाया है। दोनों को रात लगभग 3 बजे उसके घर पर दबिश दी और उसके बाद उन लोगों को लेकर यहाँ सर्किट हाउस में पूछताछ की जा रही है। जो दो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले जो नेपाल से दिनेश गोप की गिरफ्तारी हुई थी उसको जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक कुछ नहीं बता पा रहे लोग किसी तरह का, लेकिन जो दो व्यक्ति है उससे पूछताछ की जा रही है सर्किट हाउस में ही। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आती कि एक बड़ा मामला है, क्योंकि पहले भी कुछ सालों पहले भी एनआईए की टीम मानगो के क्षेत्र में पहुंची थी और मानगो से भी एक दो व्यक्ति को उठाकर अपने साथ लेके गई थी। हालांकि अभी सर्किट हाउस में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो आजाद नगर थाना क्षेत्र में देखिए वहां से एक गिरफ्तारी भी, आपको बता दें कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की जो बात सामने आई थी कि उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हो रही है, और इसी सिलसिले में एनआईए की एक टीम पहुंची है और जुगसलाई से एक शख्स को उठाया गया है या वहां से उसे पकड़ा गया है। बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में उससे पूछताछ हो रही है। और आपको बता दें कि हालांकि ये जो तमाम चीजें सामने आई है उसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।